नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। रात के 9 बज चुके हैं और जनमन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई मकानों में दरारें आने के बाद धामी सरकार एक्शन में है और मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों के साथ मीटिंग की और जोशीमठ को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए। कल जोशीमठ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जोशीमठ में हालात का जायजा लेंगे सीएम धामी। एसडीआरएफ की तैनाती बढ़ाई गई है, पुनर्वास के पहलुओं पर भी बातचीत हुई है और पीड़ित परिवारों को सीएम राहत कोष से मदद दी जा रही है। अगले 6 महीने तक आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। पीड़ित परिवारों को हर महीने 4,000 रुपए देगी सरकार और जोशीमठ को लेकर सीएम ने हाई लेवल मीटिंग भी की। बैठक में मौजूद रहे डीजीपी अशोक कुमार। तो जोशीमठ में हालात का जायजा खुद मुख्यमंत्री लेने के लिए कल जोशीमठ पहुंचेंगे। फिलहाल आज उच्च स्तरीय एक मीटिंग भी हुई है जिसमें तमाम तरीके के निर्देश जारी किए गए। जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहां से पानी का रिसाव हो रहा है, जहां पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए जरूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए जरूरी जो काम है एसडीआरएफ भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं। और कुछ काम दीर्घकालिक हैं कि दीर्घकालिक कामों में हमारा पीपल कोटी का क्षेत्र है, गौचर का क्षेत्र है, उस आसपास के क्षेत्र में जो नया स्थान है, अगर वहाँ पर लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ती है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और कोई भी देरी ना हो, जितने भी चाहे ड्रेनेज का प्लान हो, ड्रेनेज का काम हो या सीवर का सीवर लाइन बनाने की बात हो, उन सभी पर हमने कहा है कि जो भी काम इस समय पर वहाँ होने हैं वो सीधे सीधे हो जाएं। उस पर किसी भी प्रकार की जो बहुत औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकताएं ना करके सीधे मुझे रिफ़र कर दें और मैं सीधे ही, मैंने कहा है कि उसको सीधे यहाँ से सरकार की तरफ से स्वीकृति मिलेगी जिससे कि तत्कालिक लोगों को जो है अभी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पर काम। नहीं, लगातार इसमें पहले से भी जो हमारे संस्थान हैं उन संस्थानों ने भी इस पर काम किया है और पूरी गंभीरता से 2 तारीख से थोड़ा सा चीज़ें जो पानी का रिसाव और जो दरारें आने का काम हुआ है उस पर काम हो रहा है और आगे चूँकि जो भी ज़रूरत के मुताबिक काम होगा वो सब काम किए जाएंगे और कर रहे हैं गंभीरता से। सर, केंद्र से भी कोई मदद की आवश्यकता पड़ रही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से? अभी जितने भी जो हमारे अनुसंधान करने वाले इस क्षेत्र में हैं, चाहे हमारा IIT रुड़की है, यहाँ पर वाडिया संस्थान है, हमारे GIS संस्थान है, इन सभी संस्थानों के लोग उस पर काम कर रहे हैं और भी जिन संस्थानों से हमें इसके अनुसंधान के लिए, इसकी रिसर्च के लिए कि वो स्थान खोजने के लिए कि आखिर क्या कारण है, उस पर काम चल रहा है और जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से सभी से इसमें मदद मांगी जा रही है। जो भी काम चल रहे हैं मैं स्वयं वहाँ पर जाकर देखूँगा और वहाँ अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के साथ भी जो वहाँ बैठक भी करूँगा। 4,000 रुपये किराया देने की बात है? हाँ, जितनी भी मैंने कहा है कि अगले 6 माह तक और जब तक भी ज़रूरत पड़ेगी, ये काम हम लोग अन्य स्थानों पर भी करते रहे हैं और यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा तो उनकी व्यवस्था करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जो जोशीमठ में हालात बन रहे हैं उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है और 6 महीने तक आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और कल खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं हालात को देखने के लिए। देखिए, बिल्कुल, कल खुद मुख्यमंत्री हालात को देखने के लिए जा रहे हैं और आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उसमें भी मुख्यमंत्री ने पूरा फीडबैक अधिकारियों से लिया है और ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से वहां पर किसी भी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो काम होने हैं वो काम वहां पर किए जाए, लोगों को मदद पहुंचाई जाए। तकरीबन 500-600 के आसपास जो परिवार हैं जहां पर की मकानों में दरार पड़ी है उन्हें शिफ्ट किया जाना है, उसके लिए जो पास से अन्य स्थान है वहां पर भी जो जगह है वो देखी जा रही है और इसके अलावा जो लोग जिनके घरों पर दरार पड़ी है उन लोगों को 4,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से जो किराया दर होती है
वो फिलहाल दी जाएगी कुछ समय तक के लिए। सरकार का कहना है कि जो भी असिस्टेंस, जो भी मदद चाहिए वो मदद लोगों को दी जा रही है वहाँ पे। खुद कल मुख्यमंत्री जब जाएंगे ग्राउंड जीरो पे हकीकत जानने के लिए, तो और भी वो हालात को देखते हुए जो भी डायरेक्शन, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप नेगी हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कल जोशीमठ जाएंगे मुख्यमंत्री और आज उच्च स्तरीय बैठक भी हुई जिसमें अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई है और तमाम तरीके के जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए।